सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन देखने के लिए ऑटो एंड टेक वीडियो सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए महिंद्रा KUV 100 नेक्स्ट का जो K8 वेरिएंट का डुअल टोन आप लोग पूछ रहे थे, रेड ब्लैक स्पेशली पूछ रहे थे, उसी का ये एक्चुअल शोरूम लुक है, हाउ द कार लुक्स इन द शोरूम इन रियलिटी। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको साइड्स में, शॉर्ट्स में गाड़ी के बारे में एक एक डिटेल मिल जाएगी, जितना भी ये कस्टमर के लिए ज़रूरी होता है तो एक अच्छी चीज़ रहती है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सब मिलेगी आपको। उसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस गाड़ी के बारे में और भी डिटेल इंफॉर्मेशन अगर कोई चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको वैसे तो मेरे वीडियो में ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से, तो पूरा एक इसका जो फ्रंट है, पहले उसका पूरा एक एज अ होल लुक ले लीजिए। तो चलते हैं इसके जो हेडलैम्प्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी इलॉन्गेटेड वे में पूरा जो इसका हेडलैम्प एरिया है वो दिया गया है। यहाँ पे जो इसका इंजन का ब्रांडिंग है एम फैल्कन, वो आपको मिल जाता है पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के ऊपर, और जो हेडलैम्प है वो आपको नॉर्मल मिलता है। ये आपका जो LED DRL हो गया वो मिल जाता है। छोटी सी यहाँ पे क्रोम डिज़ाइनिंग मिलती है जो इसको पूरा ब्यूटीफाई करती है, जो इसका फ्रंट है पुरानी वाली KUV से दोस्तों बहुत बढ़िया लगती है ये नई KUV, और काफ़ी अच्छे चेंजेस इसमें दिए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। नीचे अगर आप ग्रिल एरिया की बात करते हैं तो पूरी आपको हनी कोम शेप में मिलती है और काफ़ी बढ़िया आपको एयर इनटेक मिलेगा जो आपकी एफिशिएंसी के लिए बहुत बढ़िया है। इधर आप देखते हैं जो आपके फॉग लैम्प्स हो गए, साइड्स में पूरा डस्की ब्लैक फिनिश, और इधर आपको जो पूरी क्रोम गार्निश दी जाती है, बहुत ही एक ब्यूटीफाइड फ्रंट लगता है इसका। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों जो इसका पूरा साइड प्रोफाइल है उसका, मैं पूरा आपको एज अ होल लुक दे देता हूँ, तो साइड से पूरा आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा इसका पूरा जो डिज़ाइन है, जो पूरी फिलॉसफी है, जो पेंट जॉब है वो सब आप देख सकते हो। जो पूरी क्लैडिंग है दोस्तों वो पूरी साइड्स में कैरी करी गई है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और एक अच्छी चीज़ होती है अगर आपको ये क्लैडिंग दी जाती है। नीचे आप इसके जो अगर व्हील्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो आपको MRF के इसमें व्हील्स अवेलेबल हैं, अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल जाते हैं 15 इंच के, तो काफ़ी बढ़िया आपको कंफर्ट ड्राइविंग मिलनी चाहिए। बाकी जो लोग इसको ड्राइव कर रहे हैं ज़रूर शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस इस गाड़ी को लेकर। चलते हैं इसके ORVM की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, जो इसकी रूफ है उसी पे पूरी ये फिनिश पे आपको ORVM मिलते हैं। आपका बाकी जो इंडिकेटर्स हो गए वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे जो इनबिल्ट इसमें, और ये भी आपको पूरे LED पे दिए गए हैं जो अच्छी चीज़ है, गाड़ी की एफिशिएंसी को काफ़ी इम्प्रूव करता है LED वैसे भी। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं गाड़ी के पीछे साइड में, और यहाँ पे जो आप इसका जो डोर है, हैंडल है पीछे वाले डोर का, वो आप देख सकते हैं इधर, तो आपको पूरा ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश पे दिया गया है। तो एक अच्छा ट्रेंड लगा मुझे और काफ़ी अच्छा लगता है ये, और एक ब्यूटीफाइड लुक देता है पूरे गाड़ी के साइड को। पहले ये बीट में आता था ऐसे, और अब उसके बाद अभी आपको स्विफ्ट में भी देखने को मिल रहा होगा, KUV उससे पहले आई है तो उसमें भी आपको ये मिल जाता जो आप अभी देख रहे हैं। बाकी जो इसका रूफ़ का जो पूरा कलर है वो पूरा साइड्स में यहाँ तक कैरी किया गया है, तो काफ़ी बढ़िया आपको इंजीनियरिंग मिल जाती है, कलर कोई ऐसा मिसमैच नहीं लगता है, प्रॉपर पूरी आपको गैपिंग दी गई है, प्रॉपर पूरी स्पेसेस दी गई हैं हर कलर को। ये आपका फ्यूल इंटेक एरिया हो गया। अब दोस्तों चलेंगे गाड़ी के पीछे, और पीछे से पूरा मैं एक लुक दे देता हूँ एज अ होल, तो आप पूरा पीछे से लुक ले लीजिए इसका। KUV 100 नेक्स्ट की जो 100 नेक्स्ट की जो K8 की ब्रांडिंग है वो पूरी आपको क्रोम पे मिलती है। इसके अलावा महिंद्रा का लोगो हो गया, पीछे आपको रियर वाइपर मिल जाता है, महिंद्रा की ब्रांडिंग नीचे मिलती है आपको, तो पूरा एक ब्यूटीफाइड आपको पूरा बैक मिलता है, और कहीं से भी आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। मेरे अकॉर्डिंग इसी क्वालिटी को लेकर बहुत बढ़िया आपको क्वालिटी मिलती है पूरी गाड़ी में। इसके अलावा अगर इसके जो बैक लैंप क्लस्टर है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो पूरे आपको क्लियर ग्लास के साथ ये मिलते हैं, और उसके अलावा आपका जो बैक लैंप है, ब्रेक लाइट है, वो पूरी आपको LED पे मिल जाती है। बाकी आपकी जो इंडिकेटर हो गए और आपका जो बैक गियर लाइट हो गया वो अवेलेबल है। तो काफ़ी अगर टोन की बात करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया टोन पूरी मिलती है। इसके अलावा अगर इस साइड से पूरी मैं गाड़ी आपको शो कर दूँ, तो इधर से भी पूरा एक लुक ले लीजिए आप, तो आपको अच्छे से पूरा आइडिया लग जाएगा। इसके बाद अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर, और अंदर बैठ के आपसे आराम से बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स और क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको मिल जाते हैं अंदर बैठकर, इसमें इस वेरिएंट में आपको क्या अलग मिल जाता है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो भी बताने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर, लेट्स गो इनसाइड द कार। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो कार है वो ओपन कर दी है, तो पहले आप पूरा बाहर से इसका जो इंटीरियर है उसका पूरा एक लुक ले लीजिए, तो आपको अच्छे से पूरा इसका डिज़ाइन का आइडिया लग जाएगा।
उसके अलावा दोस्तों अगर आपको इसी गाड़ी के और वेरिएंट्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कंपनी के लिंक मिल जाएंगे, सॉरी मेरे वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप और भी वीडियोज़ देख सकते हैं इस गाड़ी के। अंदर चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका जो सीट और जो हाइट एडजस्टर है वो आपको अवेलेबल है यहाँ पे, जो एक अच्छी चीज़ है और कन्वीनियंस का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है यहाँ पे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठ के आराम से आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों अब मैं ऑल न्यू KUV10 नेक्स्ट का जो केट वेरिएंट है, डुअल टोन वेरिएंट है, उसके मैं अंदर आ गया हूँ। अंदर से पहले जो इसका आप डैशबोर्ड है, फ्रंट है, वो पूरा उसका एक एज अ होल लुक ले लीजिए। तो जैसे कि हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं डोर से, तो आप यहाँ देख रहे हैं पूरी जो कार्बन फाइबर ऐसी फिनिश है वो आपको मिल जाती है। नीचे पूरा जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है वो आपको अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपका विंडो अप डाउन बटन्स हैं वो आपको मिल जाती हैं, साथ में आप विंडो लॉक करने के लिए बटन है वो आपको अवेलेबल है। पूरा ये डस्की ब्लैक में मिलती है। और यहाँ पे आप देखते हो अगर जो आपके ORVM एडजस्टर है वो आपको मिल जाते हैं, जो आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपके जो लाइट एडजस्टर है वो आपको यहाँ मिलते हैं। AC वेंट्स आप देख रहे हो हाउस शेप में हल्के से दिए गए हैं और ऊपर जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है पूरी कैरी की गई है साइड से, तो एयर फ्लो बहुत बढ़िया आता है इसमें। नो डाउट महिंद्रा का AC वैसे भी बहुत बढ़िया रहता है। इधर आप देखते हो अगर तो पूरी आपको कार्बन फाइबर ऐसी फिनिश मिलती है, बहुत बढ़िया फील आता है जब इस मटेरियल को टच करते हैं। और एक उम्दा इंटीरियर्स पूरे दिए गए हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी है महिंद्रा ने अपनी तरफ से। चलते हैं जो इसके मेन मीटर्स हैं वो देख लेते हैं। तो आपको जो यहाँ पे RPM मीटर है वो मिल जाता है, इसके अलावा जो आपका MID है वो आपको अवेलेबल है यहाँ पे। बाकी आपका स्पीडोमीटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, फ्यूल गेज हो गया, ओडो हो गया, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। काफ़ी वाइडेंड एरिया है और सिल्वर फिनिश दिया गया थोड़ा सा इसको एक फ्रेश फील देने के लिए इंटीरियर्स को। जैसे आप देख रहे हो पूरा ब्लैक है, तो यहाँ पे पूरा आपको सिल्वर इंसर्ट और यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट। और जो स्टेयरिंग है इसकी वो भी दो टोन पे मिलती है, और जो मीडिया कंट्रोल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, जो एक अच्छी चीज़ है। ये जो सिल्वर इंसर्ट से आप देख रहे हैं, आपको इसकी दोस्तों स्टेयरिंग कैसी लगी ज़रूर शेयर करिएगा मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं जो आपका वाइपर का टॉगल है वो मिल जाता है, इधर आपका जो इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है वो अवेलेबल है। और अगर इसका मिडिल कंसोल है वो देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हो जो हैंड ब्रेक है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे अवेलेबल है जैसे आप नीचे देख सकते हो। और जो 12 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो ये बीच में आप देख रहे हो जो बैकरेस्ट है, अगर आप किसी को यहाँ बैठाते हो तो इसको आप पुल डाउन कर सकते हो ऐसे, और इसको आप अपने हैंड रेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। मिडिल कंसोल इसका देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपके AC वेंट्स हो गए, नैरो हैं लेकिन एयर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कूलिंग बहुत अच्छी, तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है टच और बटन्स के कंट्रोल के साथ मिलता है। इसका आप अगर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसका इंफोटेनमेंट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थोड़ा सा अगर मैं बता दूँ तो आपका USB पॉइंट हो गया, ऑक्स हो गया, बाकी जो नॉर्मल आपकी फंक्शनिंग है बटन्स हैं कॉलिंग वगैरह के लिए वो सब मिल जाती हैं आपको। हल्की सी यहाँ पे एक आपको क्रोम लाइनिंग दी गई है इसको एक ब्यूटीफाई लुक देने के लिए, इंटीरियर को एक रिफ्रेश्ड फील देने के लिए। ये आपका जो एरिया है वो आपको मिल जाता है। जो नॉब है आपकी वो पूरी आपको रोटरी फॉर्म में दी गई है फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए। और जो आपका क्रोम फिनिश है वो आपको मिलता है। ये जो मॉडल है दोस्तों ये 5-speed गियरबॉक्स मॉडल है विद रिवर्स है, और पूरी आपको सिल्वर फिनिश है ऊपर वो मिल जाती है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा गियर लगता है, कंटेम्प्रेरी गाड़ियों से काफ़ी अलग है, जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ जो चलती हैं आपको पूरा ये फ्रंट डैशबोर्ड में इनबिल्ट मिलता है यहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया लगता है, एक अच्छी नई चीज़ मिलती है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इसके को पैसेंजर साइड की, तो पूरी जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है वो पूरी कैरी की गई है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा जल्दी से इसका जो ग्लव बॉक्स है वो खोल लेते हैं, काफ़ी वाइड ग्लव बॉक्स, काफ़ी डीप ग्लव बॉक्स मिलता है, तो अच्छी स्पेस मिल जाती है आपको अपना सामान वगैरह डालने के लिए यहाँ पे। सीट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ देख रहे हो कुशनिंग ठीक है। बाकी जो लोग इस गाड़ी को चला रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, जिससे जो लोग लेना चाहते हैं ये गाड़ी तो उनको एक अच्छे से आइडिया लग जाए पूरे इसकी सीटिंग के बारे में, कंफर्ट के बारे में। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो साइड्स में डोर पे पूरी जो फिनिश है वो कैरी करी गई है, वैसी ही कार्बन फाइबर फिनिश आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। तो दोस्तों इसको अब मैं जो फ्रंट है वो पूरा मैंने आपसे शेयर कर दिया, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं छूटा है। बाकी साइड्स में शॉर्ट्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं। उसके अलावा अगर मुझसे कुछ छूट भी जाता है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक भी दे दूंगा, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ जाके आप और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में ले सकते हो, इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह भी बुक कर सकते हो। यहाँ पर चलते हैं ऊपर, तो आपका जो सनग्लास होल्डर है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब चलेंगे गाड़ी के पीछे और पीछे वाली सीट से आपसे बैठ के आराम से बात करेंगे कि पीछे बैठ के गाड़ी में कैसा लगता है और हाउ इट फील्स टू सिट इन द बैक सीट ऑफ KUV10 नेक्स्ट K8 वेरिएंट डुअल टोन। तो चलते हैं गाड़ी के पीछे, उससे पहले जो इसका बूट है वो मैं आपको शो कर देता हूँ, कितनी स्पेस इसमें मिल जाती है, पीछे क्या लाइट वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है, तो जल्दी से वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो बैक है हम लोग वहाँ पे आ गए हैं, ये आप इसकी की देख रहे हैं, तो बूट खोलने के लिए आपको इसको प्रेस करके रखना है, और जो इसका बूट है आप देख रहे हैं वो ओपन हो गया है, तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है।
तो ये फंक्शनैलिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी। हैट्स ऑफ टू महिंद्रा कि उन्होंने मिडिल सेगमेंट गाड़ी में इतना बढ़िया फीचर दिया है। अगर आप लगेज वगैरह काफ़ी कैरी करो तो काफ़ी आराम रहेगी आपको। बाकी आपको लाइट्स भी मिल जाती हैं जैसे मैं आपसे आगे कह रहा था, तो आपकी विजिबिलिटी को काफ़ी एनहेंस कर देंगी यहाँ पर। तो दोस्तों जल्दी से इसको बंद कर देते हैं और अब चलेंगे गाड़ी के पीछे वाली सीट में और पीछे बैठ के आराम से आपसे बात करते हैं कि पीछे बैठ के गाड़ी में कैसा लगता है और क्या क्या फीचर्स पीछे मिल जाते हैं। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार। तो दोस्तों अब मैं ऑल न्यू महिंद्रा के यू वी 100 नेक्स्ट का जो K8 वेरिएंट है, डुअल ट्विन वेरिएंट है, उसके पीछे वाली सीट से आपसे बात कर रहा हूँ। पहले आप पीछे का पूरा एक जो पीछे से पूरा डैशबोर्ड आप देख लीजिए अच्छे से, तो आपको पूरा डिज़ाइन पैटर्न का अच्छे से आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है, डेफिनेटली मुझे तो वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है जो इसका फ्रंट है। बाकी जो इसका टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम हो गया, खास तौर से जो गियर हो गया, पूरा हर चीज़ एक अलग तरीके से देने की कोशिश की गई है। जैसे आप जनरली देखते हो कि जो AC कंट्रोल्स होते हैं पूरे फैले हुए होते हैं पूरे डैशबोर्ड के ऊपर साइड्स में जहाँ पे भी शुरू होते हैं, यहाँ आपको प्रॉपर एक पैनल में दिए गए हैं, साइड्स में लाइनिंग वाइज दिए गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ये। और जो पूरा कार्बन फाइबर फिनिश है वो भी इसका एक स्टैंड आउट फीचर है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगर पीछे की बात करते हैं हम लोग, अगर लेग रूम की, बहुत बढ़िया है। 6 फीट हाइट है मेरी फॉर रेफरेंस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पीछे बैठने में।